ज्ञान में रमण करना बंद कर देंगे क्या? चिंपति ने बाबा का स्मारक चिन्ह, बाबा पहले आया, तीन मूर्ति बाबा के साथ आया, तिरुपति में तिरुपति को कलयुग वैकुंठ कहा, माना इधर बाबा के साथ श्रीदेवी है माना वैष्णवी देवी, फिर जगदम्बा भी है पद्मावती का नाम से, तो तिरुपति में तिरुपति है वर्ल्ड फेमस, ऐसा बनने का तीन चैतन्य मूर्ति इधर भी तिरुपति में भी मौजूद है, एक जगदम्बा श्रीदेवी पद्मावती, एक श्रीदेवी और एक स्वयं बाप। तो तिरुपति ये वर्ल्ड फेमस बनने का ये तीन मूर्ति यादगार इधर मौजूद है, तो यही कारण में ये तिरुपति का ऐसा प्रभाव बन गया। तिरुपति जो यादगार है वो भक्ति मार्ग का जड़ यादगार है क्या? भक्ति मार्ग में होता है जड़ और ज्ञान मार्ग में होता है चैतन्य। जो जड़ है उस जड़ के रहस्य को चैतन्य में समझा जाता है, जड़ तो पार्ट नहीं बजाता, पार्ट कौन बजाता है? चैतन्य पार्ट बजाता है, तो चैतन्य जो पार्ट बजाता है उन तीन मूर्तियों के पार्ट को समझना है। कि पद्मावती का गायन कैसे है, उसका रहस्य क्या है, श्रीदेवी का गायन कैसे है, उसका रहस्य क्या है, और श्रीदेवी और पद्मावती दोनों का जो पति है जिसे नाम पड़ा तिरुपति है, किसका पति है? तिरुपति। क्यों मेरो पति क्यों नहीं है? तिरुपति क्यों मेरो पति क्यों नहीं है? पति हो बाप हो, मेरा बाप अच्छा या तेरा बाप अच्छा? मेरा बाप अच्छा, बाप की स्मृति में मेरा और पति की स्मृति में भी मेरा, मेरा बाप मेरा पति मेरा बाबा, तो ये तेरो तेरो कहां से आ गया है? ये ज्ञान मार्ग की बात है या भक्ति मार्ग की बात है? भक्ति मार्ग की बात है तेरा और ज्ञान मार्ग की बात है मेरा। हाँ इतना कहें कि मेरा सो तेरा, जो मेरा है सो तेरा है तो भी अच्छा, लेकिन झगड़ा तेरा है मेरा नहीं, तेरा है मेरा नहीं, दोनों का झगड़ा हुआ। वो झगड़ा तिरुपति का प्रसिद्ध है ना, है नहीं है? हाँ
शास्त्र में वो झगड़ा दिखाया हुआ है, वो भक्ति मार्ग का झगड़ा है, ज्ञान मार्ग का झगड़ा है, भक्ति मार्ग का झगड़ा तो है, लेकिन जब ज्ञान में आ जाते हैं तो ज्ञान में भी पूरा न समझने के कारण फिर झगड़ा होता है। क्या चाहे श्रीदेवी हो चाहे पद्मावती हो, पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है तो अंदर से संकल्पों का झगड़ा होता है। वो कहती है तेरा पति, पद्मावती कहती है तेरा पति, क्यों? क्योंकि साकार में पद्मावती को मिलता तो है, मिलन मेला तो साकार में मनाती है, उसकी यादगार में देवी का मेला बहुत प्रसिद्ध है। देवी का मेला जितना मनाया जाता है उतना और कोई का मेला नहीं मनाया जाता। जगदम्बा का मेला बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ज्यादा मिलन मेला मनाया है साकार में। इतना मिलन मेला मनाते हुए भी फिर ये झगड़ा क्यों रह गया तेरो पति? फिर तो फकुर होना चाहिए मेरो पति, क्योंकि दिल में ये माया घर कर जाती है कि शरीर से तो मेरा है लेकिन दिल से तेरा है। क्या किसी से प्यार करते हैं तो क्या चाहते हैं? दिल जीतना चाहते हैं या शरीर जीतना चाहते हैं? दिल जीतना चाहते हैं। और दिल्ली का तो नाम ही क्या है? दिल्ली। दिल्ली का नाम ही दिल के ऊपर पड़ा है। जितने भी विदेशी होते हैं वो अपने पत्र लिखेंगे किसी को तो कौन सा चित्र बनाते हैं? दिल का चित्र बनाते हैं। किसी को ग्रीटिंग देंगे, किसी को पत्र लिखेंगे तो दिल का चित्र बनाते हैं। उनको दिल की बात बहुत पसंद है। बाबा भी कहते हैं दिलवाड़ा, बाप भी कैसा है? है दिलवाड़ा बाप है। बाप दिल है, वाड़ा होते हुए भी वो दिल किसको देता है? पहले सच्चे बच्चों को दिल देता है या झूठे बच्चों को दिल देता है? है जो सच्चे होते हैं तो सत्य के ऊपर बाप न्यौछावर जो जाते हैं। क्या सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाते हैं। अगर सच्चाई नहीं है तो फिर बाप नाराज होगा। बाप नाराज होता है तो फिर दुखी होता है या सुख होता है? दुख हो जाता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? श्रीदेवी बनने का है या जगदम्बा बनने का, पद्मावती बनने का? गीता में क्या लक्ष्य दिया है? गीता में जो ज्ञान दिया है भगवान ने, उन्होंने लक्ष्य दिया है मनुष्य जीवन का, नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है। नारी से लक्ष्मी बनना है, नर से नारायण बनना है। लक्ष्मी का पद पावेंगे तो श्रेष्ठ पद कहा जाएगा, श्री देवी का पद कहा जाएगा। अगर श्री देवी नहीं बने तो फिर नंबर दो का पद है, नंबर दो का पद है पद्मावती। क्या पद्म वाली? कैसे वाली? पदम। पदम किसे कहा जाता है? पदम कहा जाता है कमल को, है कमल का फूल। कमल के फूल पर जो बैठी हुई है उसको कहा जाता है पद्मावती। कमल फूल समान जीवन, जीवन कैसा बनाया?
कमल फूल समान, जैसे कमल है कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ उसमें लिप्त नहीं होता, ऐसे ही मनुष्य का जीवन ऐसा हो कि भले कीचड़ की दुनिया में हो तो भी बुद्धि कहां लगी रहे, बुद्धि एक बाप में लगी रहे। सवाल यह होता है कि 84 जन्मों में कीचड़ में रहना जरूरी है क्या है? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, कोई आत्मा ऐसी भी तो होगी जो जन्म जन्मांतर कीचड़ में ना आती हो। विविचार को कीचड़ कहा जाता है, विविचार दोष में ना आती हो। विविचार दोष में नहीं आती है तो श्रीदेवी कही जाती है। कीचड़ में आई नहीं तो ज्ञान जल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी है? ज्ञान जल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञान जल की ज्यादा जरूरत किनको पड़ेगी? जो गंदा कपड़ा होगा उसको ज्यादा ज्ञान जल चाहिए, जो स्वच्छ कपड़ा है उसको ज्यादा ज्ञान जल की दरकार ही नहीं। इसलिए ड्रामा बना हुआ है, पहले श्रीदेवी ज्ञान में आती है या जगदम्बा पहले ज्ञान में आती है? है श्रीदेवी पहले ज्ञान में आती है, एडवांस में पहले श्रीदेवी ज्ञान में आती है, जगदम्बा पहले ज्ञान में आती है, क्योंकि सारे जगत की अम्बा है, देवताओं की भी अम्बा है और असुरों की भी अम्बा है। उसको आसुरी बच्चों का भी संग का रंग लगता है और देवता तुल्य बच्चों का भी संग का रंग लगता है। 21 जन्म देवतुल्य आत्माओं का संग रहता है और 63 जन्म आसुरी बच्चों का भी संग का रंग रहता है। तो आसुरी बच्चों का संग ज्यादा लगेगा तो पतितपना आवेगा ना। वो 63 जन्म का जो लगाव है अनेक धर्मों की आत्माओं से बच्चों के रूप में, वो अंतिम जन्म में आकर्षित कर देता है। और जो श्रीदेवी है जिसे वैष्णो देवी कहा जाता है, विष्णु देवता कहा जाता है, वो सिर्फ किसको सपोर्ट करता है? विष्णु देवता एक ऐसा देवता है जो सिर्फ देव आत्माओं को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर देव आत्माओं का संग रहा है। भले बंधन होता है आसुरी आत्माओं का, लेकिन बुद्धि कहां रहती है? सिर्फ देव आत्माओं के साथ। बुद्धि से वो सपोर्ट नहीं करता, जब सपोर्ट ही नहीं करेगा तो अनेक जन्म जो हिसाब किताब बंधेगा वो किसके साथ बंधेगा है? देव आत्माओं के साथ हिसाब किताब बनता है। तो भले संगम युग में बाप पतित बच्चों से पहले मिलते हैं, जो जन्म जन्मांतर के पतित हैं उनसे मिलते हैं साकार में, तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं, तुम संग सोऊं, तुम संग श्वासोश्वास साथ निभाऊं, और उन बच्चों को अपना बच्चा बनाते हैं रुद्रमाला का मणका। क्या रुद्रमाला के जो मणके बनते हैं वो जन्म जन्मांतर के राजा बनते हैं या कोई रानी भी बनते हैं? हैं राजा बनते हैं, चाहे स्त्री चोला हो और चाहे पुरुष चोला हो, वो जन्म जन्मांतर के राजा बच्चे, बाप के डायरेक्ट बच्चे। भले रुद्रमाला का आखिरी मणका क्यों ना हो, उनमें भी ये शिफ्ट होती है। क्या जो विजयमाला के मणकों में शिफ्ट नहीं है,
क्या खासियत होती है? वो कौन सी सिफत है जो वीरमाला के मणकों में नहीं है और रुद्रमाला के मणकों में है? बाप की पहचान, बाप की पहचान रुद्रमाला के जो बच्चे हैं वो बाप को पहले पहचानते हैं और विजयमाला के बच्चे बाप को नहीं पहचानते। वो विजयमाला है भारत माता की औलाद। किसकी औलाद है? भारत माता की औलाद। और रुद्रमाला है विश्व पिता की औलाद। जो विश्व पिता है उसकी औलाद बनते हैं रुद्रमाला के मणके। उनमें आखिरी मणका है जगदम्बा। आखिरी मणका होते हुए भी उसमें ये शिफ्त है कि वो बाप को पहले पहचान लेती, परंतु पूरी इतनी निभा नहीं पाती है। आज से अंत तक माया के चंबे में आ जाते हैं। जितने भी रुद्रमाला के मणके हैं सारे ही रुद्रमाला माया के चंबे में आ जाते हैं। इसलिए बोला है कि रुद्रमाला बनती तो पहले है, लेकिन जब नई दुनिया बनती है, विजयमाला बनती है, तो विजयमाला में रुद्रमाला के मणकों को बाद में पिरोया जाना पड़ता है। रुद्रमाला पहले तैयार नहीं होती, पहले रुद्रमाला वो विजयमाला पहले तैयार नहीं होती, बाद में तैयार होती है। और विजयमाला पहले तैयार, वो रुद्रमाला पहले तैयार हो जाती है, फिर भी रुद्रमाला के मणकों को इंतजार करना पड़ता है। किस बात के लिए? विजयमाला में पिरोए जाने के लिए। क्यों इंतजार करना पड़ता है? क्योंकि नंबर वार पुरुषार्थी है। बाप की पहचान में नंबर वार हो जाते हैं। पूरा पूरा नहीं पहचानते हैं तो ये हाल होता है। जैसे मुरली ने बोला, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते, रहते हैं मेरे साथ, खाते हैं, सोते हैं, श्वासों श्वास साथ निभाते हैं, खेलते हैं, साथ ही साथ जाने वाले भी हैं, लेकिन फिर भी पूरा न पहचान पाने के कारण दुर्गति में जाते हैं। इसलिए मुरली ने बोला है कि अगर बाप को याद नहीं किया औरों को भी बीच में याद किया तो हो सकता है सदगति की बजाय और ही इसी जीवन में क्या हो जाए? दुर्गति हो जाए। तो ज्ञान एक बार उठाने के बाद फिर गलतियां नहीं होनी चाहिए। संग दोष की गलतियां होती है, अन्न दोष की गलतियां होती है, तो पुरुषार्थ नीचे गिरता है। ये तीन आत्माओं का विशेष है संगम दिखाया हुआ है तिरुपति में। क्या? एक है शांति धाम का हेड, एक है सुख धाम का हेड, और एक है दुख धाम का हेड। कौन है दुख धाम का हेड? तीन मूर्तियां अभी तो बताई, एक जगदम्बा, तीन पुरियां दिखाई है ना सूक्ष्म बदन में, एक ब्रह्मापुरी माना जगदम्बापुरी, एक विष्णुपुरी माना श्रीदेवी की पुरी, और एक शांति धाम, ऊंचे ते ऊंचे पुरी। जहां बाप बैठा हुआ दिखाया गया, तो ये तीनों पुरियों को इकट्ठा कर दिया है तिरुपति में।
दुखदाम की भी मूर्ति है, सुखदाम की भी मूर्ति है और शांति धाम की भी अधिष्ठाता मूर्ति है। तीनों मूर्तियों का अपना अपना रहस्य है। बुद्धि कहां लगाना है? न दुखदाम में बुद्धि लगाना है क्योंकि जाना है पहले शांति धाम, न कि सीधे सुखदाम में पहुंच जावेंगे। बाया शांति धाम सुखधाम पहुंचेंगे तो जो बाप के नजदीक पहले पहुंचेंगे, बाप के नजदीक पहुंचेंगे माना बाप समान जो पुरुषार्थ करेंगे वो फायदे में रहेंगे। और बाप समान पुरुषार्थ नहीं किया, कहीं न कहीं हिलकते रहे, कहीं न कहीं अटैचमेंट में आते रहे या दूसरों की बात मानते रहे, दूसरों के प्रभाव में आते रहे, दूसरों की प्रजा बनते रहे, तो नुकसान हो जाएगा। और संगम युग में ही वो नुकसान दिखाई पड़ता है, इसलिए बताया कोई दास दासी बनेंगे यही साक्षात्कार हो जाएगा कि तुमने ऐसा पुरुषार्थ किया है इसलिए दास दासी बने। तुलसी को भी महारानी कहा जाता है और लक्ष्मी को भी महारानी कहा जाता है। बल तुलसी दो प्रकार की दिखाई गई है, एक तुलसी है जो जंगल में रहती है, जंगल में पनपती है, एक तुलसी है जो आंगन में रहती है। है महारानी, महारानी के रूप में पूजन करते हैं, जब पूजन करते हैं तो महारानी के रूप में गायन करते हैं लेकिन आंगन में बैठाते हैं। क्या महारानी है तो बेडरूम में होनी चाहिए कि नहीं है? नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, फिर आंगन में क्यों बैठाई दिया है? आंगन में इसलिए बैठाई दिया कि थोड़ा सा कुछ न कुछ बेवफाई हो गई, पत्नी के संबंध में वफादार होना चाहिए। चार संबंध बताए ना, कौन कौन से चार संबंध? बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में और साधन सजनी के रूप में। इन चार संबंधों के चार गुण भी हैं, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। इन संबंधों में अगर इन गुणों को नहीं अपनाया, नहीं धारण किया तो फिर घाटा पड़ जाता है। तो पत्नी के संबंध में वफादारी जरूर होनी चाहिए, अगर बाप के प्रति वो वफादारी नहीं रही और देहधारियों के प्रति वो वफादारी चली गई, साबित हो गई, तो 84 जन्मों में सुख भोगने का जो घाटा है वो अभी यहां साक्षात्कार हो जाएगा। संगम युग में ही साक्षात्कार होता है 84 जन्म। कितना हम जन्म जन्मांतर सुख भोगेंगे, कितना जन्म जन्मांतर दुख भोगेंगे। दुख भोगने में जो आगे जाता है बल रुद्रमाला का मणका है, तो दुखधाम का अधिष्ठाता कहा जाता है। और सुख भोगने में जो आगे जाता है जन्म जन्मांतर वो सुखधाम का अधिष्ठाता कहा जाता है। और जो शांत रहने में सबसे आगे जाता है वो शांति देवा कहा जाता है। क्या? शांति देने वाला। खुद शांत रहता होगा तो दूसरों को शांति का दान देगा, खुद अशांत रहता होगा तो दूसरों को क्या देगा? अशांति देगा।
जब दुनिया का विनाश होता है तो सारी दुनिया में आत्माएं अशांति में रहते हुए शरीर छोड़ती है। अशांति की स्टेज में शरीर छोड़ेंगी तो कौन सी दुनिया में आवेंगी? है अशांति की दुनिया में आ जाएंगे। जो जितनी शांति में शरीर छोड़ेगा उतना शांति देवा के नजदीक पहुंचेगा, और जितना अशांति स्टेज में शरीर छोड़ेगा उतना अशांति की दुनिया में उसे पार्ट बजाना पड़ेगा। तो अपना पार्ट अच्छा बनाना चाहिए, खराब पार्ट क्यों बनाना चाहिए? बाप मिला है तो बाप सुख शांति का दाता है, सुख शांति का वर्षा देने वाला है, उसे मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला कहा जाता है। तो बाप मिले फिर भी वो वर्षा न मिले तो क्या फायदा हुआ? तो ब्रह्मा का पूजन नहीं होता, क्योंकि कौन से धाम का अधिष्ठाता है? हैं? दुख धाम का अधिष्ठाता है। ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाते हैं, मंदिर नहीं बनाते हैं, पूजन नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का पूजन करेंगे, ब्रह्मा की मूर्ति बनावेंगे, ब्रह्मा का मंदिर बनावेंगे तो याद आवेगा बनाने वालों को, और याद आवेगा, याद ब्रह्मा को करेंगे जो दुखधाम का अधिष्ठाता है, तो याद करने वालों को क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। इसलिए मुरली में मना कर दिया है। क्या मना किया है? इसको याद नहीं करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। अच्छा, ब्रह्मा को याद नहीं करना है, जगदम्बा को तो याद करना है, है? क्यों? ब्रह्मा के लिए मना कर दिया। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला होता है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। जगदम्बा की तो पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, जगदम्बा की मूर्तियां बनती हैं, उसको याद क्यों नहीं करना है? नहीं, जगदम्बा के लिए भी बोला है, चाहे कोई भी देवी हो, अगर जगदम्बा के साथ है, जगत पिता नहीं है, क्या सिंगल जगदम्बा है, जगत पिता साथ में नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग देखने में नहीं आता है, तो ऐसी जगदम्बा को याद करने वालों के लिए बोला है, देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय। क्या मुरली में क्या बोला? देवी के पुजारी रावण संप्रदाय है। तो जो रावण संप्रदाय होंगे उनका धंधा क्या होता है? कौन सी दुनिया में होते हैं? मारा मारी की दुनिया में होते हैं। खुद खून खराबा करते हैं और दूसरों का भी खून खराबा करते हैं। वहां 63 जन्म करेंगे खून खराबा स्थूल खून का, और यहां ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में जो सूक्ष्म खून होता है, संकल्पों का खून, उस संकल्पों के खून का खराबा करते रहेंगे। क्या जो भी याद करेंगे उनके संकल्पों का खून का खराबा जरूर होगा। इसलिए एक बाप दूसरा न कोई। ये तिरुपति की यादगार जो है वो आंध्रा में है। क्या आंध्रा में भी आंध्रा के सर पर कौन बैठा हुआ है? आंध्रा का जो चित्र है ना, मैप नक्शा, आंध्रा का जो नक्शा है उसमें एकदम चोटी के ऊपर कौन बैठा हुआ है? हाँ जी, आंध्रा की, आंध्रा के मैप में जो चोटी है
चोटी तो पतली से पतली जाती है ना ऊपर हाँ, तो चोटी के ऊपर कौन है, कौन सा मंदिर है खास? चोटी के ऊपर है उड़ीसा, क्या जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ बैठा हुआ है, जिसको कहा जाता है शांति देवा। सारी दुनिया को शांति कौन देगा है? सारी दुनिया को शांति देने वाला एक ही जगन्नाथ, वो चोटी पे बैठा हुआ है। और आंध्रा के पांव के नीचे कौन बैठा है, कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। क्या तुम हमसे नहीं मिलते तो हम भी तुमसे नहीं मिलते? तमिलनाडु। क्या तुम नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते? तुम हमसे दिल से मिलोगे तो हम भी तुमसे दिल से मिलेंगे है? अरे तमिलनाडु में कौन है बाबा? नीचे तमिलनाडु में ऊपर जगन्नाथ है, ऊपर जगन्नाथ है तमिलनाडु में। अभी तमिलनाडु में राज्य किसका रहा? लंबे समय तक किसने राज्य किया? माता। क्या ना माता का नाम है? जय अम्मा। क्या वो भी गई ना करना जी भी आ गया? चलो आ गया, थोड़े समय के लिए आ गया, बहुत साल कर दिया। ज्यादा लंबे समय तक राज्य किसने किया है? जयललिता ने किया ना, जय अम्मा ने राज्य किया ना। जो उड़ान कंपनियां है ना, उड़ान कंपनियां तमिलनाडु की जो राजधानी है उसका नाम रखा हुआ है मां। क्या तमिलनाडु की जो राजधानी है उसका पहले नाम था मद्रास, क्या नाम था? मद्रास। कहां रास करने वाली है? मद। मड माना क्या है? मड माना क्या? मड माने कीचड़। क्या मड माना? कीचड़। कीचड़ में रास करने वाली राजधानी, उसका नाम पड़ गया मद्रास। हिंदुस्तान वालों, हिंदुस्तान की सरकार को ये नाम अच्छा नहीं लगा। क्या ये नाम ठीक नहीं है? क्या क्या नाम रखा फिर? चेन्नई। चेक नहीं। क्या क्या हो जाए? नहीं, नई राजधानी हो जाए। चेक नहीं। अगर तमिलनाडु की राजधानी नई हो जाए तो नाम क्या पड़ेगा है? चेक माने नई होती तो अच्छा था। तो नई, जब चेन्नई नाम होता है तो वो नई दिल्ली बन जाती है। जो नई दिल्ली है सोई चेन्नई। नई दिल्ली कब बनती है? भारत देश की राजधानी नई दिल्ली बन जाती है। नई दिल्ली का वो प्रभाव है जो अव्यक्त वाणी में बोला है, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार। इतनी जिम्मेवारी है दिल्ली के ऊपर। तो आज की सरकार दिल्ली को एकदम चकाचक बना रही है, तो जड़ समझते हैं दिल्ली को, इसलिए जड़ दिल्ली को संवारने सुधारने में लगे हुए हैं। भारत
भारत को भी जड़ समझते हैं। भारत पिता और दिल्ली राजधानी, राजधानी माने राजा की धारणा शक्ति। वो राजा की धारणा शक्ति जब सुधर जाती है तो कहा जाता है चेत नहीं, चेत जा, क्या कहते ना, चेत जा, चेत जा माना मरा हुआ, जैसे कोई पड़ा हुआ हो ना, कब्रिस्तान बना पड़ा हो और कब्रिस्तान को कहा जाए चैतन्य हो जा। तो दिल्ली जब चैतन्य हो जाए तो जैसे चेन्नई हो गई, माथे पे बैठी हुई है, क्या भारत के माथे पे बिंदी कौन सी है, दिल्ली की बिंदी है, आत्मा की यादगार है। आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो आत्मा सो परमात्मा जैसी मिलकर के संपन्न आत्मा बन जाती है। जैसे बोला है नदी का सागर से कनेक्शन है तो नदी पतित पावनी है, और नदी का सागर से कनेक्शन नहीं तो नदी क्या बन जाती है, नाला बन जाती है। नाले में क्या होता है, है कीचड़ होता है, मड, कीचड़। कोई भी नदी है ऊंची स्टेज से आती है, नीचे आती है तो कचरा गिरता है शहरों का। लोग समझते हैं वो शहर जो है वो जड़ है, वास्तव में चैतन्य शहरों का नाम पड़ा है, हम चैतन्य आत्माओं के पार्ट के आधार पर नाम पड़ा है। नदियां भी चैतन्य है, कोई पतित पावनी के रूप में गाई जाती है। भारत की नदियों में सब स्नान करते हैं कि पतित से पावन बने, विदेश की नदियों में कोई स्नान नहीं करता। जरूर विदेश की नदियां पतित बनाने वाली है और भारत की नदियां पावन बनाने वाली है, लेकिन कब, जब सागर से कनेक्शन होता है। तो आंध्रा के दक्षिण में चेन्नई है, चेत नई, चेत जा और नई बन जा, क्या होगा, सागर में डूबेगी तब होगा, क्या नई कब होगी, सागर में समा जाएगी तो नई हो जाएगी। और दुनियादारी में समाई हुई है तो मद्रास नाम पड़ गया, इसलिए नाम चेंज कर दिया गया। बंबई का भी नाम चेंज कर दिया गया, पहले बंबई, अब उसका नाम क्या है, मुंबा देवी के नाम पर उसका नाम पड़ा मुंबई। मोम क्या करता है, ये मोम मोमबत्ती है ना, ये क्या करती है, पिघलती है। कड़क है तो पत्थर बुद्धि, और मोम की तरह पिघल पिघल जाए तो पत्थर थोड़ी कही जाएगी, नरम दिल कही जाएगी। तो नरम दिल और पत्थर दिल, जो क्रिश्चियंस ने दिल्ली बनाई है नई दिल्ली, वो सारी लाल पत्थरों की बनाई है, क्या लाल रंग जो है वो क्रांति का सूचक होता है,
क्रांति होती है तो खून खराबा हो जाता है। खून खराबा होता है तो पत्थरों की दिल्ली कब्रिस्तान बन जाती है। बाप आकर ऐसा ज्ञान देते हैं कि पत्थरों की दिल्ली जो कब्रिस्तान बनी पड़ी होती है उसको परिस्तान बना देते हैं। परिस्तान माना ज्ञान परियों का स्थान। परी क्या करती है, ऊंची स्टेज में उड़ती है। ज्ञान युग के पंखों को धारण करके ऊंची स्टेज में उड़ना माना स्थापना की निमित्त बनना, और ज्ञानियों के पंखों को उतार के फेंक देना माना विनाशकारी बनना। है तो कल्याण शक्तियों के द्वारा संहार दिखाया हुआ है। शक्तियां संहार कारिणी है। ऐते तो संहार कारिणी देवता कौन गाया हुआ है, है? कोई संहारकारी देवता है, है? देवता नहीं गाया हुआ है। शंकर के माथे पर रखा हुआ है शंकर द्वारा विनाश, लेकिन विनाश करता नहीं है। किसके द्वारा कराता है, ऐसी माताओं के द्वारा जो पत्थर बुद्धि बनती है। पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो विनाश के निमित्त बन जाती है। इम्प्योरिटी से होता है विनाश, और प्योरिटी से होती है स्थापना। ब्रह्मा द्वारा क्या हुआ, दाढ़ी मूंछ वाले ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुई, लेकिन स्वर की स्थापना नहीं होती है, क्योंकि स्वर की स्थापना के लिए स्वर का गेट खोलने के लिए माताएं चाहिए। माता तू है जग की भाग्य विधाता। ब्रह्मा के लिए नहीं कहा, दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा के लिए नहीं कहा कि तू है जग का भाग्य विधाता। वही ब्रह्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, कैसा पार्ट है, हाँ, ऐसी बड़ी माँ का पार्ट बजाता है जो बाप के साथ मिलकर के एक हो जाता है, सागर में समा जाता है। चाहे बंबई हो, माया की नगरी, किसकी नगरी है, माया की नगरी, जो माया की नगरी होगी, माया बेटी का राज्य हुआ होगा। भारत में कौन सी नगरी है जहां माया का राज्य है गाया हुआ है, बंबई। वेद में भी, ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक नॉलेज में कोई माया बेटी रही होगी जिसने बंबई में पहले पहले राज्य किया होगा, माया का पसारा फैलाया होगा। आज में भी वही थी और अभी भी बीमारी की बेड होती है ना, बीमारी की सैया अभी भी वही पड़ी हुई है। अभी माया भी थक चुकी है। माया खलास होने वाली है, और माया को जो पावर मिलती है प्रकृति से, या प्रकृति को जो पावर मिलती है माया से, दोनों मिलकर के जब एक हो जाती है
तो इस दुनिया का विनाश हो जाता है। अभी तक बाप के बच्चों के ऊपर माया का पसारा था, फिर भी बाप के बच्चे, अमरनाथ के बच्चे नंबरवार जिंदा रहे। लेकिन माया को जब प्रकृति तामसी का सहयोग मिलता है, प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के तैयार खड़ी हो जाती है माया का सहयोग देने के लिए, तो जो नंबरवार पुरुषार्थ करने वाले बाप के बच्चे हैं उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। अमरनाथ के बच्चे भी धराशायी हो जाते हैं। क्या वो भी कल्याणकारी है? नंबरवार धराशायी नहीं होंगे तो माला की नंबर कैसे बनेगी? नंबर बनने की नहीं है, अव्वल नंबर माला 8 की, फिर दूसरी माला 108 की, फिर 1000 सहयोगियों की ब्रह्मा की भुजाएं, फिर 16000 की मालाएं तो तैयार होनी है ना। कैसे तैयार होंगी? माया और प्रकृति दोनों मिलकर के परीक्षा लेती है ज्ञान की। देखे ज्ञान की तुम कितने महारथी हो, कितना तुमने बाप को पहचाना है और कितना तुमने माया की और प्रकृति की तरफदारी की है। पता तो लगेगा ना, 63 जन्मों में कौन किसके पुजारी बन के रहे, कौन माया के मुरीद बन करके रहे हैं, कौन अच्छे अच्छे भगत भगवान के मुरीद बन करके रहे हैं, वो पता तो लगेगा ना। तो अभी सब बारा न्यारा होने वाला है। बारा न्यारा होगा तो जो दास दासी बनने वाले हैं उनके मुखिया भी प्रत्यक्ष होंगे। माया दासी कही जाती है, क्या कही जाती है? माया दासी है, वो भी भगवान की दासी बनकर के पार्ट बजाती है। नई दुनिया स्थापन होगी तो जो बड़ी थी बड़ी माया दासी है वो कृष्ण बच्चे को गोद में उठा के ले गई, पालना करेगी। नरक में नहीं पड़ी रहने, पड़ा रहने देगी कि रोडपति बनकर के रोड के ऊपर धक्के खाता रहे। क्या करेगी? माया दासी उसको थक से गोद में उठा लेगी। इसलिए बोला है कि जब नई दुनिया बनेगी तो सबसे पहले कौन सरेंडर होगी? माया सरेंडर होगी और प्रकृति भी दासी बन जाएगी। क्या जो प्रकृति अभी दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है अपोजिशन करने के लिए, वो भी क्या करेगी है? वो अपोजिशन करने की बजाय वो भी प्रकृति दासी बन जाएगी नई दुनिया में, वैकुंठ में भी दासी बन करके रहेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में गाया हुआ है मीरा दासी। क्या मीरा माना? शाहजादी। रुद्रमाला में कोई शाहजादा है जो बैगर टू प्रिंस बनता है तो कोई शाहजादी भी तो होगी। कौन है शाहजादी? जिसके लिए सिखों में गाया हुआ है राज करेगा खालसा। क्या वो बेसिक नॉलेज में उन दीदी दादी दादाओं ने तो कुछ भी राज्य नहीं किया, कोई खास मान्यता नहीं दुनिया में।
उससे ज्यादा मान्यता तो आज की दुनिया के जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, लाखों लाख की मजलिस उनकी इकट्ठी होती है, उनकी ज्यादा मान्यता है। लेकिन इन सब के मुकाबले जगदम्बा की इतनी मान्यता होगी ब्राह्मणों की दुनिया से लेकर के सारी दुनिया में, जो जगत की अंबा प्रैक्टिकल में साबित हो जाएगी, सारी दुनिया झुकेगी। लेकिन भगवान साबित नहीं होगी, अंत में फिर भी जब सत्य प्रत्यक्ष होगा तो एक सच्चा और बाकी सब झूठे साबित हो जाएंगे। चाहे वो जगदम्बा हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, सबके अंदर कुछ न कुछ झूठ समाया रहता है, कमजोरी समाई रहती है। एक बाप ऐसा है जो सर्वशक्तिमान के रूप में नई दुनिया की स्थापना करता है और बच्चों को नंबर वार नई दुनिया का मालिक बनाता है। इसलिए भगवान को तीन पत्नियां दिखाई जाती हैं, खास मायापति भी कहा जाता है, प्रकृति पति भी कहा जाता है, और लक्ष्मी पति भी कहा जाता है। तिरुपति में किसकी यादगार है? तिरुपति में मायापति के रूप में यादगार नहीं है, लक्ष्मी पति और प्रकृति पति की यादगार है। पद्मावती है प्रकृति, दोनों की राशि एक ही है, प्रकृति और पद्मावती दोनों की एक ही राशि। और लक्ष्मी, दोनों का योग दिखाया हुआ है मंदिर में। दोनों अपने को वियोगी समझती है, किस रूप में? दैहिक रूप में। श्रीदेवी कोई देह का मिलन नहीं होता, राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होगा लेकिन देह का मिलन नहीं होगा, देह में श्रेष्ठ इंद्रियों का भी मिलन नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण जो संगम युग के दिखाए गए, जिनके चारों तरफ संगम युग का ज्ञान का प्रकाश दिखाया गया है, वो संगम युग दुनिया में खड़े हैं, और नीचे स्वर्ग में राधा कृष्ण को दिखाया गया है। राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं श्रेष्ठ इंद्रियों से, और लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, आंखें भी देह का अंग है ना, दृष्टि मात्र का भी प्यार नहीं है। कौन सा प्यार है? रूहानी प्यार, जिसे कहते हैं वाइब्रेशन का प्यार। लक्ष्मी नारायण वाइब्रेशन की पैदाइश करेंगे राधा कृष्ण की, और राधा कृष्ण अपने बच्चों को पैदा करेंगे तो कौन से प्यार से पैदा करेंगे? वाइब्रेशन से पैदाइश नहीं करेंगे, वो श्रेष्ठ इंद्रियां जो आंख है उसके प्यार से उनके बच्चे पैदा होंगे। तो ज्यादा ऊंची स्टेज किसकी हुई? संगमयुगी लक्ष्मी नारायण की ज्यादा ऊंची स्टेज हो गई, और सत्ययुगी नारायण की उतनी ऊंची स्टेज नहीं कही जा गई। इसलिए ये नियम बना हुआ है कि फाउंडेशन पक्का करेंगे
तो पुरुषार्थ की बिल्डिंग बहुत ऊंची खड़ी हो जाएगी। फाउंडेशन है आत्मा समझने का, अपने को आत्मा समझना, दूसरों को आत्मा समझना, आत्मिक रूप में देखना, आत्मिक रूप में बात करना, आत्मिक रूप में संसर्ग संपर्क में आना, संबंध में आना। जितना जितना आत्मा का फाउंडेशन पक्का होगा उतना उतना ऊंची अवस्था बनेगी। लक्ष्मी नारायण की याद से लक्ष्मी बनती है, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? नारायण को याद करना सबसे अच्छा और सहज पुरुषार्थ है। पहचाना होगा तभी तो याद करेगी, अगर पहचाना नहीं होगा तो याद कैसे करेगी? इसलिए कहते हैं कि बाप की पहचान पहले पहले देनी। कोई कोई समझाना है तो क्या करना है? पहले बाप की पहचान दो। इस सृष्टि पर पहली पहली आत्मा कौन है? सुप्रीम सोल बाप वो तो है परमपिता परमात्मा, सुप्रीम सोल है उसकी तो सुपरमेसी है आत्मिक स्थिति में, लेकिन नेक्स्ट टू गॉड कौन है? पहली आत्मा कौन? प्रजापिता। यह कृष्ण पहली आत्मा नहीं, कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस होगा लेकिन इस सृष्टि की पहली आत्मा नहीं है। सतयुग का जो कृष्ण होगा उससे पहले 4.5 लाख आत्माओं की और लंबी लिस्ट है, उसके बाद उसका नंबर है आत्मिक स्थिति धारण करने। और 4.5 लाख में भी अव्वल नंबर उसको कहा जाता अलफ। शिव है ज्योति बिंदु और अलफ है बाप, जो मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है। ओम शांति।